यानी आपके सरकार और आपकी पुलिस के ऊपर उसकी एफिशिएंसी पे सवाल उठ रहे हैं। जो लोग हमारे पुलिस की एफिशिएंसी ऊपर सवाल उठा रहे हैं वो मुंबई पुलिस का इतिहास नहीं जानते। मुंबई की पुलिस ब्रिटिशों के ज़माने से बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस फोर्स रहा है, बहुत ही प्रोफेशनल, किसी को नहीं छोड़ते। आपने देखा होगा चाहे बॉम्ब ब्लास्ट हो, उससे पहले वाले केस हो, किसी को नहीं, जिसका भी नाम आया है जो पूरा एविडेंस है आप वो दबोच लेंगे, कोई भी हो। तो ये इस प्रकार का बयान देना मुंबई पुलिस के बारे में, सरकार के बारे में, वो अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत ही डिफेमेटरी है। लेकिन सीबीआई ने FIR भी दर्ज कर ली है। देखिए CBI ने FIR दर्ज की तो अब उनकी मजबूरी है। CBI केंद्र सरकार की एजेंसी है, केंद्र सरकार की अपनी मजबूरी होती है ऐसे मामले में। बिहार सरकार ने सिफारिश कर दी, बिहार सरकार का कोई संबंध नहीं है। हमारे आंगन में, मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है, ऐसा ही है ना। ये सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला मुंबई में चल रहा है, FIR मुंबई में दर्ज हुई है, जांच मुंबई पुलिस कर रही है, जांच अब तक ख़त्म नहीं हो रही है, और अब अचानक बिहार में FIR करते हो, क्या ज़रूरत क्या है? विश्वास रखो पुलिस के ऊपर। पुलिस पुलिस होती है, चाहे बिहार की हो, चाहे मुंबई की हो, या चाहे और किस राज्य की हो, और हर पुलिस का अपने स्टेट में एक रुतबा होता है, एक स्वाभिमान होता है। आप उसमें अगर टांग अड़ाएंगे तो जरूर बात बिगड़ जाती है। आपने उनके पिता से सुशांत सिंह राजपूत का जमता नहीं था, आपने ये लिखा है? ये मेरी जानकारी है और ये सच। उनके फैमिली में क्या चल रहा था वो भी एक जांच का, वो बिहार में खास। कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में, आप देखिए उतना आप प्यार, जो आपको शौक सदमा ये सब शब्द मैंने देखे हैं उनके। मुझे संवेदना है पिता के बारे में, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सच, वो सच आप सामने आएगा। इसी डर से कोई इस प्रकार से जांच को गुमराह करने की कोशिश क्या कोई कर रहा है? अगर है तो मुंबई पुलिस ये षड्यंत्र को पर्दाफाश कर देंगे। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो सच वो सामने लाने की पूरी कोशिश मुंबई की पुलिस कर रही है मुझे मालूम है, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे एक नया स्क्रिप्ट प्ले लिख रहे हैं। बट कथा वजह क्या है कि वो चाहते हैं उस मामले का जो असली सच है वो छुपाया जाए, रहस्य छुपाया जाए, सामने ना आए, लोगों के सामने ना आए। इसलिए ये दबाव तंत्र और CBI के कंधे पर बंदूक रखकर महाराष्ट्र के सरकार को निशाना बनाने की ये साजिश है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रकार का चक्रव्यूह कितना भी बनाओ हम भेज कर बाहर आ जाएंगे।